తక్షణమే రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలి. ప్రజాసత్తా పార్టీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ ఏకే త్యాగి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మె వల్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ పాలన గాడి తప్పిందని తెలంగాణ ప్రజాసత్తా పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఏకే త్యాగి తెలిపారు. విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రభావంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారని అన్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికులతో చర్చలు జరపకుండా పంతానికి పోవడం సరైంది కాదని అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రభావం వల్ల ప్రజలు, పాఠశాల విద్యార్థులు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని తక్షణమే రాష్ట్ర గవర్నర్ చెరవ చూపి రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని తెలిపారు. సార్, వాట్ ఈస్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఆర్టీసీ స్ట్రైక్? ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ కో సబ్ కో నమస్కార్. బడా దుఃఖ్ ఆర్ తక్లీఫ్ కీ బాత్ హై కే ఆర్టీసీ కే జో హమారే భాయి హై వో లోగ్ కై ఫ్యామిలీస్ మే సే సుసైడ్ కర్ లియా. వో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యే సోచనా చాహియే కే వో ఇండివిజువల్ ఏక్ ఆర్టీసీ ఫ్యామిలీ కా జో సుసైడ్ కియా హై वो नहीं मर गया है, उसके पीछे पूरा फैमिली जो है मर गया है. ठीक है, ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सबको पता है जो पॉलिटिकल इशू इसको जो दूसरी पार्टियां बना रही हैं, हम किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आप ये सोच लीजिए तेलंगाना एजेंडा का टाइम पे ही आरटीसी जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने केसीआर सीएम को 28% हाइक इन सैलरी जो है पूछा था. इन लोगों ने टीआरएस गवर्नमेंट आना करके बहुत सपोर्ट किया. इस वजह से सीएम केसीआर ने उसके ऊपर पर्सनल ओपिनियन दे के उनके बेनिफिट के लिए 28% को छोड़ के 43% उन्होंने किया केसीआर ने. तो दैट इज ऑन रिकॉर्ड, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज ऑन रिकॉर्ड. बट द पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी चल रहा है एवर एम माटलाड़ते रहे अभी 28% कोसम इनका 43% हाइक चेसिंदे दीन कोसम एवर पॉलिटिकल पार्टी माटलाड़ते रहे अदि पद्धति कादु तरीका कादु. मी पॉलिटिकल एजेंडा विषयंला गरीब वालु चचिपोतुन्नारु. आरटीसी और गवर्नमेंट ये दोनों का जो बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इसका वजह से डेली गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट को जो लॉस हो रहा है उसका एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है, जिसकी रिकवरी जो है लास्ट में जो है ये पूरा का पूरा लॉस जो है पब्लिक के ऊपर ही आके गिरेगा, पब्लिक से ही रिफंड करेगी ये गवर्नमेंट. तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस चीज में जो है पब्लिक जो है बहुत परेशान हो रही है. जो पुअर पब्लिक है जो 10 रुपये का काम बस में जाके 10 रुपये में जा सकते हैं, उसी के लिए किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को स्कूल जाना है, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, ऑफिशियल्स परेशान हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी वाले परेशान हैं, ऑफिशियल प्राइवेट ड्यूटी वाले परेशान हैं, जनता परेशान है एक दो दो लोगों का वजह से. एक तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, सेकेंडरी आरटीसी, इन दोनों का वजह से पूरा जनता को नुकसान है. ठीक है ना, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है और सजेशन है केसीआर सीएम को कि भैया आपस में ये डिस्प्यूट खत्म करने का एक ही तरीका है, आप आमने सामने बैठिए. आप बात नहीं करोगे सुसाइड होते रहेंगे. यू विल बी द ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव फूड, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी एंड ऑल द बेसिक नीड्स डेली. ठीक है ना, तो आप बैठ के इस चीज का सॉल्यूशन निकालो, इसमें पूरे स्टेट में शांति हो जाएगी. ठीक है ना, ये जो पब्लिक को तकलीफ, सबको तकलीफ है. आप अपने ऑफिस से निकल के आरटीसी के जो स्टाफ है उनसे बैठ के बात कीजिए, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सुनिए. 1920 हो सकता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज द रीजनेबल थिंग यू एग्री फॉर दैट? आप बैठ के इसमें मतलब विदाउट मीटिंग हाउ कैन यू फिनिश दिस? ये जो लड़ाई चल रहा है पूरे स्टेट में, जिस चीज का फायदा पूरी पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही है, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, कुछ लीडर्स भी हैं जो कि इस चीज का बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं, उसमें नमक मिर्च मसाला डाल रहे हैं. ये अच्छी बात नहीं है, लोगों की फैमिलियां उजड़ जा रही है, ये
स्ट्राइक का वजह से, और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर ऑफ द तेलंगाना स्टेट, अगर यही सिचुएशन चलता है तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है राष्ट्रपति जी से और गवर्नर ऑफ द स्टेट से, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन आई एम द चीफ ऑफ तेलंगाना स्टेट फ्रॉम प्रजासत्ता पार्टी, किसी की लाइफ जा रही है गवर्नमेंट की वजह से और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है, कोई सिस्टम ठीक नहीं है, अत्याचार है, ये पब्लिक के साथ अत्याचार है, एक डिपार्टमेंट आरटीसी का वजह से पूरी पब्लिक को परेशान है, दूसरा जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का वजह से, ये लोग आपस में अगर बैठ के कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज मीन्स व्हाट दे वांट, आपने आपस में डिस्कशन करके इसको खत्म करना चाहिए, अगर आप लोग नहीं करते हो तो मेरी हाथ जोड़ के दोबारा सेकेंडली आई एम रिक्वेस्टिंग टू द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट कि मैडम आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के लिए प्रोसीड कीजिए प्लीज, थैंक यू।